हरे कृष्णा, हमारे भागवत प्रभा में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद के अध्याय 19 पर। बहुत ही स्पेशल हम प्रसंग सुन रहे हैं कि किस प्रकार पृथु महाराज ने गौ माता, जो कि पृथ्वी थी, गौ का रूप लेकर आई थी, उस पृथ्वी माता को कैसे बैलेंस किया, शहर गांव कस्बे बनाए, कैसे मिनरल्स, ओर्स और सभी प्रकार के खनिज पदार्थ, जनजाति, अनाज, औषधियां, किस प्रकार से मदिरा, सोमरस, सभी लोगों के लिए सब कुछ उस पृथ्वी से प्राप्त किया। इतना करने के बाद पृथु महाराज ने उस पृथ्वी पर यज्ञ करने का प्रण लिया और उन्होंने सोचा 100 अश्वमेघ यज्ञ करूंगा। अश्वमेघ यज्ञ क्या होते हैं, जिसमें अश्व यानी घोड़े को पूरी पृथ्वी पर छोड़ा जाएगा, क्योंकि अब पृथ्वी पर पूरे पर राज पृथु महाराज करते हैं। तो अगर कोई उनका सेवक या कोई राजा उनके विरोध में हो तो उन्हें युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध में अगर हार गया तो शरणागति करनी पड़ेगी, और अगर वो हार मतलब लड़ना ही नहीं चाहता है तो स्वतः ही शरणागति कर दे तो घोड़ा आगे जाएगा। इस प्रकार घोड़ा पूरी पृथ्वी पर एक चक्कर काटकर वापिस आएगा और उसकी बलि दी जाएगी और उसको नया शरीर प्रदान किया जाएगा उस घोड़े को, और इस प्रकार वह ये एक यज्ञ पूर्ण होगा। ऐसे अगर 100 अश्वमेघ यज्ञ हो जाएं तो इंद्र, जो स्वर्ग का राजा है अमरावती का, उस स्थान का हकदार वह व्यक्ति बन जाएगा, जिसके लिए बड़ी शक्ति, बड़ा धन की आवश्यकता होती थी। तो इस प्रकार पृथु महाराज ने प्लान किया। तो ये शास्त्र में इस अध्याय के प्रथम श्लोक में बताया गया, 19 अध्याय के, मैत्रेय मुनि विदुर को कह रहे हैं, अथात दीक्षित राजा तु हया मेधा सतेन सा ब्रह्मावर्ते मनो क्षेत्रे यत्र प्राची सरस्वती। बहुत सुंदर श्लोक है। अथा दीक्षित राजा तु, राजा थे पृथु, हय मेध शतेन स, हय यानी कि घोड़े, घोड़े को एक हय भी बोलते हैं, ग्रीव जिसकी गर्दन घोड़े जैसी होती है, तो हय संस्कृत में घोड़े को कहते हय मेध यानी अश्वमेध कहें या हय मेध शतेन सह, शत यानी 100, कहां कराया, पृथ्वी पर, ब्रह्मावर्ते मनु क्षेत्र, इस क्षेत्र का राजा स्वयंभु मनु को बनाया था। पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, उसमें जो एक क्षेत्र है जिसमें हम लोग रहते हैं, ब्रह्मावर्त इसको कहते थे, उस ब्रह्मावर्त के क्षेत्र में प्राची सरस्वती, जहां एक नदी सरस्वती बहती, उसके किनारे पृथु महाराज ने अश्वमेघ यज्ञ प्रारंभ किया। अब इस अश्वमेघ यज्ञ में बड़ी अद्भुत घटना हुई। जैसे आप जानते हैं गद्दी की लड़ाई है, हर जगह लोग पावर पोजीशन चाहते हैं, और इंद्र महाराज जो देवताओं के राजा हैं, वो तो जाने जाते हैं इस बात के लिए कि जैसे उनको कोई भक्त लगता है कि ये मेरी गद्दी छीन सकता है, वो उसके लिए विरोध उत्पन्न करते हैं, विपक्ष दल बन जाते हैं। दो दल होते हैं, एक स्वपक्ष एक विपक्ष, विपक्ष दल बन जाते हैं जैसे ले लेगा। तो 99 यज्ञ तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब सतेन यानी 100वां यज्ञ चल रहा था, शत 100वां यज्ञ चल रहा था, तो इंद्र ने एक मुक्त जीवात्मा का रूप लेकर, सन्यासी का रूप लेकर, सर पर बाल है, सैफ्रॉन भगवा वस्त्र पहना है, गले में रुद्राक्ष माला डाली है और भगवान का नाम लेते हुए आ गया वहां पर, और घोड़े को चोरी कर लिया। जिस यज्ञ के लिए घोड़ा नियोजित किया गया था कि पूरी पृथ्वी पर जाएगा, उसको चोरी कर लिया, चोरी करके अपने लोक इंद्र लोक को ले जा रहा था, स्वर्ग लोक को। अब इतने में यहां पर गंधर्व भी थे, सिद्ध भी थे, जितने लोगों ने दूध प्राप्त किया, यानी अपना अपना पृथु महाराज ने गाय से, पृथ्वी माता से जो भी दिया, वो सब अपने अपने पात्र में लेकर उसी यज्ञ में विराजमान। सब लोग बोले, राजा पृथु आप तो यज्ञ पर बैठे हैं, देखिए वो, देखिए कोई ले गया आपका घोड़ा चुरा कर। तो जो पृथु महाराज के पुत्र थे
उनको यह आदेश दिया गया कि आप जाओ ढूंढो कौन है। प्रतु महाराज का पुत्र अपने हाथ में धनुष बाण लेकर पीछा करता होगा, घोड़े को देख रहा था, तब तक तो ठीक था। जब पास पहुंचे तो उन्होंने अपना मुख पलटा कि कौन मुझे पुकार रहा है, देखा कि इंद्र ने एक सन्यासी का वेश ले रखा था। सन्यासी का वेश देख करके प्रतु महाराज का जो पुत्र था वो वापस पर आकर उसने प्रतु को कहा जी मैं नहीं मार सकता हूं, वो तो कोई सन्यासी है। इस प्रकार वहां पड़ खड़े जितने भी लोग थे ब्रह्मा आदि, उन्होंने कहा अरे सन्यासी, अरे वो तो इंद्र था ना, और किसमें इतना बल है जो प्रतु महाराज के घोड़े को खोल ले। बोले लेकिन वो तो सन्यासी वेश में था। तो शास्त्र बताते हैं जो ये फ्रॉडगिरी शुरू हुई ना, फ्रॉडगिरी लोग बोलते हैं ना आजकल साधु फ्रॉड हो जाते हैं, जो फ्रॉडगिरी शुरू हुई ना इंद्र के इसी इंसिडेंट के बाद शुरू हुई कि चोरी करके भी कोई व्यक्ति अपने को साधु ड्रेस, तो कई बार लोग ड्रेस से साधु मान लेते हैं, ड्रेस से साधु नहीं होता है। साधु व्यक्ति अपने व्यवहार विचार आचरण से, अपने वक्तव्य से, अपने व्यक्तिगत भाव से, अपनी अपनी शब्दावली से उस साधु प्रवृत्ति होती है, वस्त्र नहीं होते साधु। तो इन लोगों को जो ये कई बार देखेंगे आप लाल कपड़े पहन लेंगे, रुद्राक्ष माला डाल लेंगे, खोपड़ियों की पूजा करेंगे, है ना, तो ये जो प्रेत पूजा करना, अपने को साधु बताना, कर्मकांड करवाना और अपने को साधु बताना जी हमने संन्यास ले रखा है और पूजा पाठ दान दक्षिणा ये करो वो करो ऐसा करो, साधु कौन है जो शांत चित है, सहनशील है, विनम्र है, ज्ञानी है, तत्ववेता है, उसे कोई कुछ दे दे तो उसकी इच्छा वरना मांगता कुछ, ऐसा व्यक्ति साधु। अब वो किसी भी वस्त्र किसी भी रंग में हो सकता है। तो प्रतु महाराज के पुत्र की बड़ी ही प्रशंसा हुई कि देखिए कितना गुणी है, साधु स्वरूप भी कोई है उस पर भी बाण नहीं चलाया, यानी इसकी साधुओं में कितनी श्रद्धा है। और वहीं इंद्र कैसा है, इतना बड़ा राजाओं का देवता होकर अपनी गद्दी के लिए उसने सन्यासी वेश का इस्तेमाल चोरी के लिए किया, बड़ी निंदा हुई इंद्र की और बड़ा ही प्रशंसा करी गई यहां पर प्रतु महाराज के पुत्र की। इस प्रकार यहां पर कहते हैं कि जो अत्रि मुनि थे उन्होंने फिर से कहा नहीं नहीं तुम जाओ और जाकर के उससे तुम घोड़ा लेकर आओ। तो प्रतु महाराज का पुत्र पुनः गया और इस बार अत्रि मुनि के आदेश पर इंद्र के लोग पहुंचा। उसने बोला मैं सन्यासी हूं, बोले जो भी हो अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा। तो घबरा के इंद्र घोड़ा छोड़कर भाग घोड़ा वापिस आ गया। जब घोड़ा वापिस आ गया तो अब यज्ञ अगर हमारे साथ ऐसा हो तो हम यज्ञ पूरा करेंगे। लेकिन ब्रह्मा जी ने आकर प्रतु महाराज को समझाया महाराज आपका प्राकट्य, आप तो स्वयं भगवान है, आपका प्राकट्य हुआ जन जीवन लोगों का कल्याण करने के लिए कि इंद्र से युद्ध करने के लिए। छोड़िए अगर इंद्र को 100 यश्मिक यज्ञ से इतनी घबराहट हो रही है, इस यज्ञ को छोड़ दीजिए। वैसे भी जिस काम में विघ्न पड़ जाए उस काम को वैसे ही छोड़ देना चाहिए, इसको पूर्ण नहीं करना चाहिए, अब इसे छोड़िए। अश्वमेघ यज्ञ जितने होने थे हो गए, आपकी पवित्रता तो बिना अश्वमेघ यज्ञ के ही पूरा संसार आपकी पवित्रता को जानता है, आपकी बड़ी पवित्रता है, आप तो स्वयं भगवान है, इसलिए अब आप इस कार्य से अपने को अलग कर लीजिए, बंद कर दीजिए। तो भगवान प्रथु को ब्रह्मा जी के आदेश प्राप्त हुए। इस प्रकार ब्रह्मा जी के आदेश को पाकर के उन्होंने कहा इंद्र को तुम मार नहीं सकते हो, मारना नहीं चाहते क्योंकि तुम तो सबकी कल्याण चाहते हो, तो तुम्हें इस सब को समाप्त कर देना चाहिए। 99 यज्ञ हो चुके थे, 100वां यज्ञ अगर इंद्र को इतना चिंताग्रस्त बनाता है, इसको छोड़ देना ही अच्छा है। इस प्रकार ब्रह्मा जी के समझाने पर इस यज्ञ को यहीं समाप्त किया गया। लेकिन जो ब्राह्मण आए थे जिन्होंने इतना यज्ञ किया, वो तो इंद्र ने आकर गड़बड़ कर दी, तो वो बोले भाई यज्ञ पूरा नहीं हुआ जाओ अपने अपने घर, ऐसा नहीं। प्रतु महाराज शिक्षा दे रहे, उन्होंने ब्राह्मणों को यथा उचित दक्षिणा प्रदान करी
कोई भी यज्ञ अगर ब्राह्मण को दक्षिणा ना दी जाए, कोई भी कथा जहां श्रवण करने वाले उस कथा कहने वाले को दक्षिणा ना दे, कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं होता है। न दे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पूर्णता इसी से होती है। तो उन्होंने यहां पर उनको सब कुछ प्रदान किया, सब कुछ प्रदान किया। और जितने भी ऋषि मुनि ब्राह्मण आदि थे, उन्होंने इस सभा को अपनी आंखों से देखा और जाना कि हम पितृलोक से आए थे और यहां पर आकर के हमने इतनी सुंदर प्रतु महाराज के भाव को देखा, अब हम बड़े संतुष्ट हो गए और हम आपके द्वारा दी गई इस दक्षिणा को स्वीकार करके अपने अपने सिद्ध लोक पितृलोक आदियों को वह ब्राह्मण चले। इस प्रकार इस अध्याय में प्रतु महाराज की अद्भुत कृपा के गुण को इस अध्याय में ब्रह्मा जी द्वारा बताया जाना कि यज्ञ से भी जरूरी है भक्ति भावना। आपकी भक्ति भावना इस यज्ञ से 100 हो या ना हो, आप भगवान के यहाँ जा रहे हो, आप तो भगवान ही हो, आपको जरूरत नहीं है इस कर्म कांड में फंसने की। ठीक है आपने किया, लेकिन अब नहीं पूरा हुआ, किसी को द्वेषी बनाकर कर्म कांड करना छोड़ दो इसको। और उन्होंने उसको याद किया। इसके आगे की चर्चा अगले अध्याय में होगी। तब तक हरे कृष्णा।